हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम एक न्यू स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने लॉन्च की है। स्माइल, SMILE, स्माइल। ये वेगर्स और ट्रांसजेंडर्स के लिए है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सब यहाँ पर हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, प्लस इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ के अपडेट आपके पास आ जाए। चलिए अब बात करते हैं इस न्यूज़ की। देखिए, ये रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट इसने लॉन्च की है स्माइल स्कीम। नेम तो आपको याद हो गया होगा, स्माइल। स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लेवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लेवलीहुड, उनके रहने के लिए और एंटरप्राइज। ये इसका फुल फॉर्म है SMILE, स्माइल। ठीक है, तो बेसिकली जो गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं उनको बेसिकली हमें घर प्रोवाइड करना है, लेवलीहुड के लिए साधन होने चाहिए, थोड़ा सा उनको एम्प्लॉयमेंट भी बेसिकली हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी इस स्कीम के अंदर। ओके, इट इंक्लूड्स अ सब स्कीम। इसका एक्चुअली एक पहले भी एक स्कीम थी, उसको इसमें इंक्लूड कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स अ सब स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन बैगिंग। जो बैगिंग में एंगेज्ड हैं जो पर्सन, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए एक स्कीम थी ये। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसको इसमें मर्ज किया गया है। ठीक है, रिहेबिलिटेशन मतलब उनको घर प्रोवाइड करना, रिहेबिलिटेट करना जो बैगिंग में एंगेज हो गए हैं। ठीक है, उन लोगों को, तो इनके लिए ये स्कीम थी जिसको इसमें मर्ज कर दिया गया है। तो अब ये जो स्माइल स्कीम है ना, उसमें ये जो पहले वाली स्कीम थी उसको मर्ज करने के बाद ये एक नई स्कीम बनाई है जिसमें उसको भी मर्ज कर दिया गया है। सिंपल है। ठीक है, स्माइल स्कीम जो है वो एक नई स्कीम है जिसमें मर्ज कर दिया गया है एग्जिस्टिंग स्कीम का। कौन सी एग्जिस्टिंग स्कीम? जो बैगर्स और ट्रांसजेंडर्स के लिए जो स्कीम थी ना उसको। ठीक है, ओके। अब ये स्कीम जो नई स्कीम है स्माइल, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, क्या उसमें फैसिलिटीज होंगी? तो फॉर यूज ऑफ एग्जिस्टिंग शेल्टर्स होम्स ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट और अर्बन लोकल बॉडीज। ये अर्बन लोकल बॉडीज मतलब जो सिटी में घर होंगे, जो शेल्टर होंगे गवर्नमेंट की, स्टेट में और जो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है, मतलब बेसिकली स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जो गवर्नमेंट के शेल्टर होम्स होंगे जिसमें मजदूरों को या जो बैगर्स हैं उनको रहने की व्यवस्था होती है, रहना खाना ही होता है, तो एग्जिस्टिंग जो शेल्टर होम्स हैं वो इनको दिए जाएं। ठीक है, इनको रहने की व्यवस्था की जाए उसमें। फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बैगिंग। ठीक है, जो बैगिंग में एंगेज हैं उन लोगों को यहाँ पे रखा जाए, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। ठीक है, अगर ये एग्जिस्टिंग होम्स जो अभी शेल्टर होम्स हैं वो अगर कम पड़ जाते हैं तो फिर क्या किया जाए? तो फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग शेल्टर होम्स, न्यू डेडिकेटेड शेल्टर होम्स बनाए जाए, इन्हीं के लिए नए होम्स बनाए जाए। ठीक है, जिसमें ये जाके रह सकें। आर टू बी सेट अप बाय द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसीज हैं वो बनाएंगी इनके लिए नए घर। तो जो हैं अभी शेल्टर होम्स उनमें जाके रहें, अगर वो कम पड़ जाते हैं तो फिर नए बनाएं। ओके, ये इसका मेन एम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे और क्या क्या फोकस रहेगा इनका? तो सिर्फ अकेला शेल्टर घर ही देना है तो मेन तो यही है कि आप उनको रिहेबिलिटेट करें, उनको घर प्रोवाइड करें, शेल्टर प्रोवाइड करें। ओके, उसके अलावा और क्या नेसेसरी चीज़ें होती हैं? लाइक मेडिकल फैसिलिटीज उनके पास हों, काउंसलिंग की जाए, जैसे बच्चे वगैरह हो जाते हैं बैगिंग में आ जाते हैं, फिर उनकी काउंसलिंग की जाए और उनको मेन लाइन से जोड़ा जाए, उनको जॉब वगैरह, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। लाइक बड़े लोग भी हो जाते हैं तो फिर उनको भी, तो बच्चे हैं तो उनको फिर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, बाद में फिर उनका करियर अच्छे से हो। ठीक है, तो बेसिकली इनकी काउंसलिंग की जाए कि इस काम को छोड़ के वो दूसरा काम पसंद करें। ठीक है, उसके अलावा बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, अब इनके पास तो आधार कार्ड वगैरह होगा नहीं तो इनका डॉक्यूमेंटेशन कराया जाए, तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन इनको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो उनको आइडिया भी नहीं होता कि आधार कार्ड क्या है, पैन कार्ड क्या है, ये सब चीज़ें पता नहीं, तो डॉक्यूमेंटेशन इनको इनका कराया जाए। ठीक है, फिर जो स्टूडेंट्स हैं मतलब जो बच्चे हैं उनकी बेसिकली
एजुकेशन कराई जाए उसके बाद, ये इसके फोकस रहेंगे। फिर जैसे ऐसा भी नहीं है कि सब बच्चे ही बैगर बनते हैं, बड़े भी होते हैं या ट्रांसजेंडर्स भी, तो इनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, इसमें ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो स्किल डेवलपमेंट जिसके बाद फिर वो कुछ जॉब कर सकें, कुछ अपना बिजनेस, सेल्फ बिजनेस कर सकें, तो कुछ इस तरह से वो कर सकें, तो उसके लिए इनको स्किल डेवलपमेंट किया जाए। फिर इकोनॉमिक लिंकेज किया जाए, बेसिकली उनको जॉब वगैरह प्रोवाइड कराई जाए जिससे कि वो मेल लाइन से जुड़ सकें, वो भी कुछ पैसा कमा सकें, ठीक है। तो रिहेबिलिटेट करना है, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, काउंसलिंग, डॉक्यूमेंटेशन उनके पास हो, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाए, ठीक है। ये इसके फोकस एरियाज है, ओके, क्लियर है। अब और क्या है इस स्कीम में, तो देखिए अभी इस स्कीम में ऐसा टारगेट है कि अप्रोक्सीमेट 60,000 पुअरेस्ट पर्सन जो होंगे वो बेनिफिटेड होंगे अंडर दिस स्कीम, ठीक है, फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, ठीक है। तो वो डिग्निटी से अपनी लाइफ को जी सकें, ठीक है, ना कि बैगिंग करके जिए, ओके। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट। अब इसमें जो सपोर्ट कौन करेगा, देखिए अब इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है पूरी, पहले तो वो करेगी, तो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट है, लोकल अर्बन बॉडीज एंड सिटीज में करेंगी, ठीक है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इनके लिए काम करते हैं, तो वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो वर्क करते हैं वो इसमें सपोर्ट करेंगे, प्लस कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसमें सपोर्ट करेंगे, इसके लिए जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं वो सपोर्ट करेंगे, तो इन सभी के सपोर्ट के साथ ये चलेगी, ठीक है। तो ये सभी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे किस तरह से इनको मेन लाइन से जोड़ा जाए, यहाँ से बैगिंग से हटाया जाए, किस तरह से उनकी काउंसलिंग की जाए, तो ये सब चीज़ें इनके सपोर्ट से होंगी, ठीक है, इस तरह से इम्प्लीमेंट होगी। अब बात आती है कि स्कीम जो थी आपकी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ बैगर्स, बैगर्स के लिए जो स्कीम थी, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है फॉर पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बैगिंग, जो बैगिंग में लोग फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जिसमें उनको रिहेबिलिटेट करना है, उसको उससे हटाना है बैगिंग के काम से, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड इन सिलेक्टेड सिटीज ऑन पायलट बेसिस, ये जो स्कीम थी ये इम्प्लीमेंट की गई थी कुछ बड़ी बड़ी सिटीज में, कुछ सिलेक्टेड सिटीज में लाइक दिल्ली, मुंबई में, जैसे लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ बैगर्स कम्युनिटी, जहाँ पे बैगर्स बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, उन पर इसका पायलट प्रोजेक्ट किया गया था, ठीक है, जिसको अब उसमें मर्ज कर दिया गया है। अब इसमें क्या किया था, मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, इसने क्या किया, रिलीज किया 2019-20 में, इतना पैसा दिया, 1 करोड़ रुपए दिया, NISD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस इसको दिया, और 70 लाख रुपीज दिए नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NBC, FDC, ठीक है, इन दोनों को इतने पैसे दिए, किस चीज के लिए दिए, कि डेवलपमेंट कर सकें, क्या डेवलपमेंट कर सकें, स्किल्स का डेवलपमेंट कर सकें, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएं फॉर बैगर्स के लिए, ठीक है। तो 2019-20 में इस स्कीम के अंदर दिए गए थे, अब इसको उसमें मर्ज कर दिया गया, तो ये सारा का सारा काम उसमें होगा। अब यहाँ पे ये दो वर्ड्स आते हैं आपके सामने, NISD और NBCFDC, तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे ये क्या है, ठीक है। तो स्कीम है किसके लिए, बैगर्स के लिए ये वाली स्कीम, इसमें ट्रांसजेंडर्स जो है उसको भी इंक्लूड किया गया स्माइल स्कीम में, ठीक है, ओके, ठीक है। अब बात आती है आपकी स्टेटस क्या है बैगर्स का इंडिया में, मतलब कि इंडिया में कितने बैगर्स हैं। तो अगर हम बात करें 2011 के सेंसस के हिसाब से, अब तो 2021 चल रहा है तो इसका सेंसस भी आने ही वाला है, अभी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंडिया में जो बैगर्स हैं वो है करीब 4 लाख, ठीक है, 4,13,000, जिसमें से 2 लाख से ज्यादा मेल है और करीब करीब 2 लाख, 1,91,000 फीमेल है, ठीक है। तो ये है रेशियो बैगर्स का इंडिया में। जो लास्ट सेंसस था 2011 में था, उस टाइम तो पॉपुलेशन भी कम थी, इस टाइम पर बैगर्स की मात्रा काफी बढ़ गई होगी, ठीक है, तो वो भी हमें पता चल जाएगा कुछ टाइम बाद। अब बात करते हैं कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा था, कौन से स्टेट में सबसे कम थे। तो स्टेट की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा बैगर्स थे, फर्स्ट नंबर पे था ये, ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से। यूपी सेकेंड नंबर पर है और बिहार थर्ड नंबर पे, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली, दिल्ली में सबसे ज्यादा बैगर्स हैं, फर्स्ट नंबर पे है 2,187, ठीक है, इतने बैगर्स 2011 के सेंसस के हिसाब से दिल्ली में थे। फिर चंडीगढ़ में सेकेंड नंबर पे थे 121, और लक्षद्वीप में सबसे कम थे, 2 थे सिर्फ, ठीक है।
अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, अगर आपसे स्टेट्स का बोला जाए तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम में सबसे ज्यादा थे, ठीक है 22,000 करीब, और मिजोरम में सबसे कम। ठीक है, ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर रही हूँ मैं, अगर टोटल आपसे बात की जाए तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है। ठीक है, ओके। तो ये डेटा अभी आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इंडिया में इतने बैगर्स हैं और उनके लिए भी सोचना जरूरी है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने दो चीजों के बारे में बात की थी, दो इंस्टीट्यूशंस, एक तो है नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या है, ये कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, पीएसयू है बेसिकली, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके अंडर है ये पीएसयू, NBCFDC, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस, समझ आ रहा है, बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस, उनकी फाइनेंस के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए कॉर्पोरेशन है। ठीक है, इसको बनाया गया था अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, 1956 का जो कंपनीज एक्ट है उसके सेक्शन 25 के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1992 में, 13th of January 1992। ठीक है, ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, मतलब कोई प्रॉफिट कंपनी नहीं है, इनके लिए वर्क करती है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इसका ऑब्जेक्टिव है, यहाँ नाम से समझ आ रहा है, फाइनेंस और डेवलपमेंट करना है। तो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के बेनिफिट के लिए ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके बेनिफिट के लिए, और जो बैकवर्ड क्लासेस में जो पुअरर सेक्शन है ना, बैकवर्ड क्लासेस में भी वो बहुत नीचे वाला, बहुत पुअरर जो सेक्शन है उसके लिए स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स करेंगे। ठीक है, तो उनका स्किल डेवलपमेंट करेंगे जिससे कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए है ये, क्लियर है, ओके। अब बात आती है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, ये क्या है, ये एक इंस्टीट्यूट है, समझिए आ रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, ठीक है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज एक्ट 21 ऑफ 1860 विद द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT दिल्ली, इसके अंदर ये रजिस्टर्ड है बेसिकली। ठीक है, तो एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो इस, ये जो है रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, इसके अंदर ये जो ये ऑटोनॉमस बॉडी है वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, ओके। अब ये सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी है, किसकी सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी है, मतलब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है ना उसको एडवाइस करती है। ठीक है, तो उसकी सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी है। इसके अलावा और क्या काम करती है, ये जो रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इन फील्ड ऑफ सोशल डिफेंस, नाम से समझ आ रहा है, सोशल डिफेंस, सोशल डिफेंस की फील्ड में ट्रेनिंग और रिसर्च करती है ये। ठीक है, तो उसके लिए नोडल इंस्टीट्यूट है। ये किस चीज पर फोकस करती है, तो करेंटली ये फोकस करती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किन किन एरियाज में, जैसे कि जो पर्सन ड्रग की आदत हो जाती है उनको, ठीक है, तो उनको उससे निकालना है, वेलफेयर करना है जो सीनियर सिटीजन है उनका। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करती है, जो बैगिंग में पहुंच जाते हैं, ठीक है, उनको वहां से प्रिवेंशन करना है, उनको वहां से निकालना है और उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है उनका। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स और अदर सोशल डिफेंस इश्यूज पर बेसिकली फोकस करती है। ठीक है, तो ये फोकस करती है इन सभी चीजों पे, ये बेसिकली क्या करती है, जो भी इसके लिए काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं उनको ट्रेनिंग देती है, गवर्नमेंट को ट्रेनिंग देती है। ठीक है, इस तरह से जैसे कि जो NGO वगैरह है वो वर्क करते हैं वेलफेयर के लिए, जो सीनियर सिटीजन है उनके वेलफेयर के लिए, तो वो किस तरह से उनके लिए काम कर सकते हैं, किस तरह से उनका वेलफेयर कर सकते हैं, ये सब चीजें ट्रेनिंग देती है और रिसर्च करती है इस चीज पर। ओके, इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइड इनपुट फॉर सोशल डिफेंस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू ट्रेनिंग रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, तो ये दो इंस्टीट्यूट इससे रिलेटेड थे, उनके बारे में डिस्कस किया। ये स्कीम है स्माइल स्कीम, किसके लिए वो डिस्कस की, और बैगर्स क्या है, कितने हैं इंडिया में, वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, और ट्रांसजेंडर्स उनके लिए भी ये स्कीम है, मतलब उनको बेसिकली हैबिलिटेट किया जाएगा, इनहैबिलिटेट, जिसमें उनको शेल्टर प्रोवाइड किए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा जिससे वो भी कुछ काम कर सके। ओके, ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताएगा, अगर आपको स्कीम पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या सही है इस स्कीम में, क्या नहीं है, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके।
और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई थिंक सब्सक्राइब अब आपको कर लेना चाहिए. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग.